आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज के विषय से आप सभी लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भारतीय साइकोलॉजी शब्द को हमने क्यों नहीं यहाँ प्रयोग किया और मानस शास्त्र शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, मनोविज्ञान भी नहीं प्रयोग कर रहे, तो उस सारे के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों को एक दो पंक्तियों की एक घटना अपने सुनाना चाहता हूँ और उससे आप लोगों को अनुमान होगा कि हमारी अपेक्षाएं आज के मुख्य वक्ता से क्या है। घटना कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों में जब मैं सरकारी तौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था और पानियों के सींग लगा करके मैं तो ऐसे ही एक दिन घूमते घामते मुझे डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी मिल गए, तो मैंने उनको अपनी जिस तरह का स्वभाव था उस अनुसार उनसे पूछा कि ज्ञान क्या है। कंधे पे उठाई हुई पोटली को नीचे गिरा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैं जिस तरह के हिसाब से उनको परेशान करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि ज्ञान क्या नहीं है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी वो पोटली उठा ली और मुस्कुराते हुए चल दिए। तब से लेके मैं बड़ा परेशान था कि मैं किस तरह से इनके इस व्यवहार को समझूं, कैसे इस व्यवहार को व्याख्यायित करूं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो ये बात दिन आ गया है कि मेरे उनके पीछे चलते चलते आज उनको हमने यही आमंत्रित कर लिया है कि वो हमें इस सारे मानवीय व्यवहार के ज्ञान ज्ञान के विषय मानव शास्त्र की दृष्टि से हमें वो व्याख्या। तो आज बड़े विनम्रता पूर्वक मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय को हमें बड़े विस्तार पूर्वक इसको दो भागों में करने जा रहे हैं। आज का पहला भाग लेकिन परंपरा से मुझे प्राप्त है। रागादि रोगान सततान शक्तान अशेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मारोहति दान जघान यो अपूर्व सदा ही साथ लगे रहने वाले संपूर्ण शरीर में फैले हुए चिंता मोह अरति जिसे व्याकुलता या विमनता को देने वाले राग द्वेष चिकित्सा द्वारा जिसने शांत कर दिया है, ऐसे या विद्या के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बात की थी कि हमने मनोविज्ञान शब्द क्यों नहीं रखा मानव शास्त्र शब्द क्यों, हालांकि मैं भी मनोविज्ञान शब्द प्रयोग करता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे उस विषय में बताया तो तुरंत मुझे वो समझ में आई बात कि मानस शास्त्र शब्द क्यों उपयोग है। सामान्य रूप से आपकी परंपरा में शास्त्र शब्द का मतलब होता है शंसनाथ, जो एक अनुशासन देता है, डिसिप्लिन है। तो उसमें पहली जो बड़ी सरल सी परिभाषा है सामान्य लक्षण जिसे कहते हैं कि जो हित के लिए आपको प्रेरित करता है वो आपका शास्त्र होता है। दूसरा वो लक्षण एक और देता है कि एक प्रयोजन में जो बंधा हुआ संपूर्ण अर्थों को प्रतिपादित कर देता है उसको भी शास्त्र कहते हैं। तीसरा जो सबसे जो उपयुक्त बात मुझे लगी, जो परिभाषा लगी, पुंसाम योग विशेषते कि दिशा विशेष प्रवृत्त करने के लिए और दिशा विशेष से निवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है, उपदेश करता है। और साथ ही साथ क्या है कि जो उस धर्म का उपदेश करता है ऐसे शास्त्र को शास्त्र शास्त्रविद। ये बात कहके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि विज्ञान शब्द जो है वो एक भाग है उस शास्त्र का, शास्त्र शब्द बहुत व्यापक है, तो उस विज्ञान जो तीसरी सीढ़ी है भारतीय परंपरा के अनुसार, सबसे पहले संज्ञान, फिर आज्ञान, विज्ञान और फिर प्रज्ञान।
तो इस दृष्टि से विज्ञान क्योंकि शास्त्र का एक भाग है, तो इसलिए मानस शास्त्र शब्द को हमने यहाँ प्रयोग किया है। और आगे चल के आप देखेंगे कि उस शास्त्र में जिस तरह के प्रयोजन, जिस तरह का हित और जिस तरह की रिकमेंडेशंस हैं, वो उन सबको हम देखेंगे। वो केवल विज्ञान की तरह एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेकर के नहीं चलता, वो उसमें एक वेल बीइंग जो है वो सबसे पहले रहता है। जब हम भारतीय मानस शास्त्र और पाश्चात्य साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ ही दिया होगा जो नोट मैंने आपके साथ साझा किया था कि पश्चिमी मनोविज्ञान का भारतीय मानस शास्त्र से अंतर ये है कि पश्चिमी साइकोलॉजी मनोरोगियों के अध्ययन से निगृहित निष्कर्षों को सामान्य लोगों के जीवन पर और व्यवहार पर लागू करता है, और जबकि भारतीय मानस शास्त्र ऋषियों संतों के व्यवहार से संग्रहित निष्कर्षों पर आधारित है। तो ये एक तरह से एक और पर्वत है और एक और खाई है। पश्चिमी साइकोलॉजी विकारों में विकृतियों की पराकाष्ठा खोज लेगी, और जबकि भारतीय मानस शास्त्र श्रेष्ठ आचरण की पराकाष्ठा खोज लेगा। ये एक मूलभूत अंतर समझ में आता है। अगली दो तीन स्लाइड्स में, इससे पूर्व कि मैं आपका मुख्य वक्ता से परिचय कराऊं, दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये सारी बातें आपके साथ मैंने साझा कर चुका हूं, लेकिन पढ़ना नहीं जा रहा, आप केवल इसके ऊपर एक नजर मार सकते हैं। तो मुख्य हमारा जो प्रश्न है, ये सारे वो प्रश्नों की लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए पहले की है, और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको पूरी तरह से पढ़ा होगा। हम यहाँ पर भारतीय मानस शास्त्र से हम क्या समझते हैं, ये हम जानने आए हैं। और जो मनोविज्ञान और साइकोलॉजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या वो लिटरल ट्रांसलेशन उनके सही है या नहीं हो सकते, और फिर उसमें प्रयोग की जाने वाली शब्दावली जो है वो कहाँ तक उसको हम ठीक ठीक समझते हैं, क्या वो ओवरलैपिंग या वो आपस में ओवर जनरलाइजेशन के दोषों से पीड़ित तो नहीं है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या मानस शास्त्र को हम BA BSc में पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कोई कोर्स कंटेंट तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन सारे विषय में और इसमें दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए आज हमने आदर पूर्वक जिन विद्वान वक्ता को सादर आमंत्रित किया है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के, और इसके साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं। मुझे उस सारे विषय के लिए नहीं जाना, क्योंकि समय को मैं बचाना चाहता हूं, और इसके अतिरिक्त उन्होंने जितना कॉन्ट्रीब्यूट भारतीय मनोविज्ञान को किया है, जितना उसका विस्तार करने की कोशिश की है, उसको प्रभावी बनाया है, उसके लिए तो वो जितने उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है वो कम ही होगी। तो वस्तुतः वो इसके लिए अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं और हमारे लिए अत्यंत। डॉक्टर के लिए और आप सब के लिए मैं दो तीन स्लाइड्स और दिखाना चाहता हूं, और फिर उसके बाद मुख्य वक्ता को हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि मैं कई वर्षों से थोड़ा इस विषय की ओर लगा हुआ हूं। तो इसमें जो सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको बात कि हम अपना एवेल्युएशन मेथड कैसे कर सकते हैं भारतीय मानस शास्त्र के आधार पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक डूअर है, करता है, भोगता है और ज्ञाता है, ये हम सभी जानते हैं। जो स्टैंडर्ड उसमें जो चीजें रहती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो उसमें आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आप देखेंगे कि ये भी एक जो भारतीय परंपरा में आपको प्राप्त है, ये कश्मीर शैविज्म से आपको उपलब्ध होता है कि लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिटेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी, लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ योर अटैचमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड डेस्टिनी, ये सारी चीजें भी इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहती हैं। इनके आधार पर अगर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, बहुत सरल से भाषा के आधार पर कर्म को आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता को, धर्म को, ये सारे दिए हुए हैं, आप सारा नक्शा देख सकते हैं। मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि इसमें हमने जो प्रयोग किया है मूल्यांकन के लिए वो है स्केल 1 to 16। संपूर्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण है,
मुझे नहीं पता सोशल साइंसेस में 1 to 10 का स्केल क्यों यूज करते हैं या उसके पीछे क्या लॉजिक है, या 1 to 7 या 1 to 5 का। अब इसको करना कैसे है? आप देखिए कि ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव और क्विक असेसमेंट करने का तरीका है। मैं यहाँ मध्य के बीच में हूँ और मैं यहाँ से अपने आप को मूल्यांकित करना चाहता हूँ कि मेरी भाषा का स्तर 1 to 16 के स्केल पे कितना है। सो आई पुट ए डॉट हियर, लाइक कि मैंने अपने आप को 10 के स्केल पे रख लिया, 16 में से 10 दे दिए। मैंने अपने कदमों की परफेक्शन जानने के लिए अपने आप को 12 दे दिए, 14 दे दिए। इसी तरह से आप स्वतंत्रता, अपने जो फ्रीडम है उसका कितना यूज करते हैं, अपनी ड्यूटीज को, अपने रिलेशनशिप्स को कोई दे लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इन डॉट्स को जब आपस में मिला दिया तो आप देखेंगे ये जो भीतर का पक्ष है इतना तो आप विकसित हैं, लेकिन इसके बाहर जो कुछ है वो आप विकसित नहीं है, वो आपकी संभावना है। यानी कि इस दायरे के अंदर तो आप हैं और इस दायरे के बाद आपकी संभावना है। ये शास्त्र आधारित आपका एक नियम की पद्धति बहुत सरल है और बहुत प्रभावी भी है, क्योंकि भाषा को हमने व्याकरण से उठाया, कर्म को आपने गीता से लिया, स्वतंत्रता को आपने कश्मीर शैविज्म और वेदांत से लिया, धर्म को धर्म शास्त्रों शब्द से ले लिया, और पंचतंत्र को संबंधों आदि आदि, ये सारे वहीं से हैं, ये मेरे अपना कुछ नहीं है। इसी तरह जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मानस शास्त्र में, भारतीय मानस शास्त्र में जो सामाजिक मानस शास्त्र बनेगा उसके भी ये इसी तरह से जो है उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो किसी भी सोसाइटी को अगर आप मूल्यांकित करना चाहते हैं 1 to 16 के स्केल पर, आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप उसका मन स्वास्थ्य मूल्यांकित करेंगे किसी भी समाज का, फिर उसका आप हेल्थ को देखेंगे 1 to 16 पे, फिर उसके बाद आप यूज ऑफ टाइम, समय का उपयोग, उनके एजुकेशन का लेवल आप 1 to 16 पे देखेंगे, और फिर आप सामाजिक गतिशीलता जो है उसको आप देखेंगे, उनके एनवायरमेंट का लेवल देखेंगे, आप उनके गवर्नेंस, सोसाइटी की गवर्नेंस जो होती है, ये सरकारी गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 9 पॉइंट्स पे आप किसी भी सोसाइटी की सोशल साइकोलॉजी का मूल्यांकन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप डॉट लगा दीजिए तो उसके भीतर का ये विकसित समाज होगा और उससे अधिक वो अभी और विकसित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 2 नई चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। शेष जो लोग नए जुड़े हैं, डॉक्टर साहब को तो ये मालूम है कि हम जो मैं व्यक्तिगत रूप से जिस मॉडल को प्रयोग करता हूँ वो वैशेषिक के मॉडल को प्रयोग करता हूँ, क्योंकि वैशेषिक का मॉडल मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है बजाय इसके किसी और मॉडल के। केवल आपने उसमें द्रव्य शब्द को देह शब्द से रिप्लेस करना है, तो फिर आपके भीतर सारे के सारे 9 द्रव्य आ जाते हैं, 24 गुण आ जाते हैं, आपका सामान्य व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं, आपके संबंधों को, आपके जो मोटिवेशनल अभाव, क्योंकि बहुत बड़ी मोटिवेशनल फोर्स है 4 प्रकार के अभाव, और आपके 5 प्रकार के कर्म जो आप करते हैं कि भाई आप समाज में कहाँ जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, तो इसमें मैं जरूर डॉक्टर की भी राय चाहूंगा। हैं इन 12 भावों को भी मिला लेते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सामान्य रूप से आप देखते हैं मॉडल, और साथ में एस्ट्रोलॉजी का ये देह, धन, सहज आदि ये पैरामीटर्स, इनको हम जो है इनका मूल्यांकन पद्धति बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जब हम इस कार्य को मानस शास्त्र के रूप में सामने लाते हैं तो आपके सामने जो चैप्टराइजेशन आती है वो है डिफाइनिंग ह्यूमन नेचर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5,000 से अधिक तो शास्त्रीय मानवीय व्यवहार के आपको भेद मिलते हैं जो मैं एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा। सेकंड चैप्टर में बॉडी सेंसेस और ब्रेथ आप इसको लेंगे, नर्वस सिस्टम, नाड़ी या स्नायु मंडल, जिसमें अक्सर हम 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं, और इसका भी एक टेस्ट हमने डिवेल्प किया था लेकिन वो अभी तो नहीं, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जब तंत्र के बारे में बात होगी तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद माइंड का अर्थ जो है वो अंतःकरण किया है, क्योंकि इसमें 21 आपको भेद मिलते हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अतिरिक्त मेधा, श्री आदि आदि। फिर उसके बाद मोड्स ऑफ माइंड जो है ये तो लगभग 100 से ऊपर आपको मिलते हैं, जो वृत्ति जिसे आप कहते हैं कि मन आपकी कितनी तरह की वृत्तियों को, वृत्ति का निर्माण करता है आदि आदि।
फिर इमोशंस और सेंटिमेंट्स, ये आप साहित्य में पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज ये आप दर्शनों में पढ़ते हैं, और कर्म की थ्योरी तो सब जगह आप पढ़ते ही हैं, और उसके बाद मनोभाषी एक अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है, क्योंकि भाषा और मन का बड़ा गहरा संबंध है। और उसके अतिरिक्त जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आपके साथ साझा करते हुए मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो है करेक्टिव मेथड्स, जिसमें से एक परामर्श पद्धतियां, काउंसलिंग टेक्निक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो है मुख्य रूप से पांच हमारी काउंसलिंग टेक्निक्स, मुझे जितनी जानकारी है, जिसमें गीता और दुर्गा सप्तशती और साथ में जो है त्रिपुरा रहस्य और साथ में जो है योग वासिष्ठ, इन पंचतंत्र, ये पांच जो है ये हमारी परामर्श पद्धतियां हैं। हालांकि इनको पूरी तरह व्यवहारिक बनाने में सफल बिल्कुल नहीं हो पाए, लेकिन समय के साथ साथ और डॉक्टर साहब के निर्देशन में मुझे लगता है कि इसमें भी हम सफल कुछ हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के साथ मॉडल साझा करना चाहता था बहुत ब्रीफली, बाकी कुछ चीजें जो है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ लूंगा। समय ना लेते हुए, और क्योंकि डॉक्टर साहब को 12 बजे से 10 मिनट पहले उनको हमने फ्री करना है, तो इसलिए उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात हमें हमारे साथ साझी करें और हमें दिशा निर्देश दें और हमारी बुद्धि का विस्तार करें कि इस सारे विषय को हम लोग कैसे देखें, कैसे समझें, हमारी भविष्य की योजना किस तरह से हम उसको जो है उसका निर्माण करें। तो मैं सादर उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भारतीय मानस शास्त्र के स्वरूप पर चर्चा आरंभ करें। सर ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे परम सुहृद आशुतोष जी और यहाँ आज के आयोजन में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे आशुतोष जी का पिछले कुछ वर्षों से निरंतर एक सुनिश्चित उद्देश्य रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जिस उपेक्षा का शिकार होना पड़ा अनेक कारणों से, उसको किस प्रकार पुनः स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। वह केवल ज्ञान के लिए ज्ञान की बात नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य यह भी है कि जैसा कि उन्होंने शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि हित का साधन करना उसका एक प्रमुख उद्देश्य है, परियोजना का उद्देश्य मानव कल्याण है और मैं इस कार्य के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि वो भिन्न भिन्न ज्ञान परंपरा के स्रोत हमारे सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं और उकसाते हैं। आज हम लोगों ने जो विषय चर्चा के लिए रखा है वह मानस शास्त्र की भारतीय अवधारणा को लेकर के है। मैं यहाँ पर कुछ बातें आरंभ में निवेदन करना चाहूँगा, कुछ प्रश्न जो विवरण आप सबके साथ साझा किया गया था उसमें प्रस्तुत किए गए थे, मैं उन प्रश्नों के ऊपर भी अपनी बात कहूँगा और मानस शास्त्र की भारतीय अवधारणा क्या होगी, क्या होनी चाहिए, क्या है, इसके विषय में कुछ निवेदन करूंगा। और यह चर्चा दो खंडों में होगी, आज आरंभिक होगी और फिर एक दूसरे सत्र में हम लोग इसे और मुकम्मल करने का प्रयास है। सर माफी चाहती हूँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, दिख नहीं रहे हैं आप। वीडियो तो आ रही है मैडम। सर मुझे लग रहा है सर का वीडियो ऑन नहीं है, तो ठीक है, शायद मेरे में कुछ दिक्कत होगी, आगे बढ़े। ओके थैंक यू। यहाँ तो वीडियो ऑन है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है जी। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह है, मैं उन प्रश्नों पर बहुत संक्षेप में उत्तर अभी दूंगा शुरू में,
कि मनोविज्ञान शब्द का औचित्य और वह किस प्रकार से मनोविज्ञान में जो कुछ हो रहा है उसको व्यक्त करता है, तो इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है नहीं। इसलिए कि मनोविज्ञान की जो एक विस्तृत लगभग पिछले 150 वर्षों में जो एक उसकी विस्तृति हुई है या व्याप्ति हुई है, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है और हर एक में आप पाएंगे फला का मनोविज्ञान। ट्रैफिक साइकोलॉजी भी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशनल भी है, आदि आदि, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, बहुत सारे शब्द आपसे परिचित होंगे। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जीवन के तमाम क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान शब्द या साइकोलॉजी शब्द ये एक रूढ़ी के रूप में हो गया है और रूढ़ियां जल्दी जाती नहीं है, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो या बौद्धिक अकादमिक जीवन में हो, रूढ़ियां जो हैं वो बहुत समय तक बनी रहती है। तो साइकोलॉजी शब्द जो है अब रूढ़ हो गया है, लेकिन जो कुछ उसके अंतर्गत हो रहा है वह सब उसमें शामिल नहीं हो पाता, लेकिन एक रूढ़ बनी हुई है कि हम उसको मनोविज्ञान कहें, साइकोलॉजी कहें। तो ये स्पष्ट कर देना बड़ा आवश्यक है कि उन दोनों में बड़ा विचलन है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम मनोविज्ञान या मानस शास्त्र, अभी हम उसको इसी रूप में कह रहे हैं, एक अर्थ में मैं लेके चल रहा हूँ, कम से कम कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों में विचार के लिए हमारे सम्मुख आते हैं, तो वह बहुलतावादी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान कह करके सबको हम एक ही शब्द से संबोधित करना चाहते हैं, ये वस्तुतः ठीक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान की तमाम धाराएं हैं और वो सभी धाराएं एक साथ चल रही हैं और कुछ लोग कुछ को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग दूसरे को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग तीसरे को स्वीकार करते हैं। आशुतोष जी, इस समय बिल्कुल ताज़ा जो विवाद मनोविज्ञान के उच्चतम शीर्ष विद्वानों में चल रहा है वो ये है कि क्या मनोविज्ञान को ह्यूमैनिटीज में रखा जाए कि साइंस में रखा जाए, और अब साइकोलॉजिकल ह्यूमैनिटीज, और वो कहते हैं कि साइकोलॉजी को विज्ञान ना कहो, साइकोलॉजिकल स्टडीज यह नाम दिया जाए। यह ये मैं बता रहा हूँ, ये शीर्ष स्तर पर यह गंभीर चर्चा हो रही है, और यह भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि साइकोलॉजी के नाम पर जो कुछ हुआ वह बहुत कुछ अब डिसइंटीग्रेटेड है। डिसइंटीग्रेशन इन साइकोलॉजी इज अनदर चैलेंज विच इज बीइंग फेस्ड एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड थियराइजेशन, जो मनोविज्ञान के शीर्ष चर्चा का विषय है, उसमें यह भी आता है। इन सब के पीछे एक बड़ा प्रमुख कारण है, कारण यह है कि दो विषय जो है किसी भी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, एक है जिसका नाम है ऑन्टोलॉजी, कि वस्तुतः वो विषय है क्या जिसका अध्ययन किया जा रहा है, वो रियलिटी है क्या जिसका अध्ययन किया जा रहा है। जैसे भौतिक पदार्थों में हम गैस को, लिक्विड को, सॉलिड को, तरह की वस्तुएं पाते हैं, तो मानस शास्त्र या मनोविज्ञान में जिस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं उसकी ऑन्टोलॉजी क्या है। दूसरा विषय जो आता है वो है एपिस्टेमोलॉजी का, कि उसके ज्ञान को किस तरह का ज्ञान हम माने और उस ज्ञान को पाने के लिए हमारी मेथडोलॉजी क्या हो। तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी परिसीमित करते हैं कि आप क्या करेंगे। हम विस्तार में न जा करके यह कहना चाहेंगे कि मनोविज्ञान के इतिहास को ही जितना हम सब परिचित हैं और बहुत सा
क्षमा करेंगे हम परिचित नहीं भी हैं, उसमें जितने परिवर्तन हुए हैं वे सब के सब बहुत ही भिन्न भिन्न दिशाओं में ले जाने वाले हैं। तो और विज्ञान का जो आशय है उस पर भी टिप्पणियां कई दिशाओं में ले जाने वाली हैं। तो एक प्रकार का वैचारिक फ्लक्स, उथल पुथल मनोविज्ञान के चिंतन में शीर्ष स्तर पर घटित हो रहा है और नाना प्रकार के प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं और उत्तर भी खड़े हो रहे हैं। तो मनोविज्ञान का कोई एकल स्वरूप नहीं रह गया है। एक तो उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं कह करके और कुछ चीजें उसमें हो रही हैं, लेकिन जो उसका सैद्धांतिक स्वरूप है उस पर जब चर्चा हो रही है, तो जैसे मैंने बताया कि उसको ह्यूमैनिटीज कहा जाए या साइंस कहा जाए, साइंटिफिक नेचर का आधार एकमात्र रखा गया था इंद्रियानुभव, कि इंपिरिकल जो आधार है ऑब्जर्वेशन का मदद लेते हुए हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम विज्ञान में शामिल करते हैं और उससे परे जो है वो दूसरा हो जाता है। आशुतोष जी, मैंने कहीं पढ़ा बड़ा रोचक कि जो देखता है, जो पश्यति, वह पशु है और जो मनन करता है, मनुर्भव, बार बार इसका उल्लेख है, जो मनन चिंतन करता है, तो मनन चिंतन जो है वह अंतर्दर्शन, वह प्रज्ञा, वह अपरोक्षानुभूति की भी बात करता है। एकदम सीधे आप अनुभव कर रहे हैं तो अपरोक्षानुभूति भी है, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष और तर्क या रीजन। तो रीजन, ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन, इन तीनों का उपयोग जो है वह हम मनुष्य के व्यवहार, उसकी चेतना, इन सब के अध्ययन में उपयोग में ले आते हैं। तो मनोविज्ञान की जो विविधता है वह एकल संबोधन से हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, वास्तविकता ये है। और दूसरी बात कि मनोविज्ञान के पक्ष में या विपक्ष में जो टिप्पणी आपने की कि नकारात्मकता जो है या रोग की स्थिति जो है वह मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण रही है, आपकी यह टिप्पणी बड़ी अच्छी है। इस अर्थ में अच्छी है कि जब 21वीं सदी शुरू हुई तो वह क्षण था जब मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई मनोविज्ञान को सकारात्मक होना चाहिए और मनोविज्ञान की यह एक नई धारा शुरू हुई जिससे हम सभी अब परिचित हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो 21वीं सदी में आ करके पॉजिटिव साइकोलॉजी का आरंभ हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पहले सब निगेटिव ही था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नकारात्मकता और चिंता और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको ले करके उसका विश्लेषण किया जा रहा था। उसके उस पर जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बहुत सारा अभियोग लगाया है, आपत्ति जनाई है, और उसके आधार पर यह प्रस्ताव किया कि जो नकारात्मकता का पक्ष है और का विस्तार बहुत अधिक हुआ है, उसमें बहुत सारे नए शब्द भी आए, जैसे फ्लो, जैसे स्पिरिचुअलिटी, और अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि प्राय मनोविज्ञान से बाहर रहती थी उनको भी अब शामिल किया जा रहा है। तो यह एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि कन्वर्जेंस का एक माहौल निर्मित हो रहा है जहां पर मनोविज्ञान की जो सीमा थी उसका विस्तार किया जा रहा है और उसमें उन पक्षों को भी शामिल किया जा रहा है जो कि भारतीय चिंतन में मौजूद थे। अब आई दूसरी बात कि मनोविज्ञान को विज्ञान कहना
और विज्ञान का आधार जो पहले बनाया गया था और जो अभी पढ़ाया जाता है या जो कि परिधि हमने तय कर रखी है, वह जैसा कि मैंने कहा कि मात्र ऑब्जर्वेशन को ही आधार मान करके यह चलता रहा है। लेकिन यहाँ भी परिवर्तन, मैं कहना यह चाहता हूँ कि मनोविज्ञान के भी द्वार जो हैं वो खुल रहे हैं और वहाँ पर कुछ प्रकाश की नई किरण आ रही है। यह अब आप कहने की मूल की ओर वापसी है या किसी नए क्षितिज को देखने की बात है, क्योंकि मूल मनोविज्ञान के आरंभ में ही चेतना के प्रश्न महत्वपूर्ण थे और अब पुनः सचेत हो करके मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रमुख विषय हो गया है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का क्लिनिकल साइकोलॉजी में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा भारी योगदान इस समय लिया जा रहा है, उस पर अध्ययन हो रहे हैं, सिद्धांतों पर विचार हो रहा है। और तो और आशुतोष जी, जो सबसे प्रमुख जर्नल है मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उसके नवीनतम अंक में एक लेख आया है, प्रकाशित हुआ है, जो मंत्र के अध्ययन के ऊपर है। ये मैंने आपको बता रहा हूं कि ये परिवर्तन आप देखें, जहां पर इस तरह के विषय चर्चा के ही नहीं प्रश्न थे, मंत्र के अध्ययन के ऊपर। संयोग से उसके लेखक हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में है, ओमन उनका नाम है, डॉग ओमन। तो मंत्र के, मैं वह लेख आपको भेजूंगा, उसमें और भी सारी बातें हैं, लेकिन कहने का अर्थ हमारा यह है कि उसके द्वार जो हैं वो खुल रहे हैं। एक और बड़ी भारी चेतना आई है मनोविज्ञान में, और वो है कि किस तरह के मनोविज्ञान की जो मुख्य धारा है वह कॉलोनाइजर की है, उपनिवेश बनाने वालों की है, और कैसे उसको डीकॉलोनाइज किया जाए, कैसे उसका विउपनिवेशीकरण किया जाए, यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। और इसमें काफी जो है वो गंभीर बातें चर्चा की हो रही हैं। तो कहने का हमारा अर्थ यह है कि मनोविज्ञान जो पूरी तरह से अपने को एक सीमित दरवाजों के भीतर बंद किए हुए था, वह पॉजिटिव साइकोलॉजी या डीकोलोनाइजेशन या मंत्र के अध्ययन या माइंडफुलनेस, इन सब से उस छटपटाहट का उत्तर पाने का प्रयास हमको इसमें दिखाई पड़ रहा है जो उनके सीमित दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हो रहा था। भारतीय मनोविज्ञान शब्द अपने आप में कई अर्थ रखता है और मैं समझता हूं कि एक मिनट उस पर चर्चा करना जरूरी है। भारत के लोगों का पश्चिमी मनोविज्ञान के मापकों सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन भी एक अर्थ में भारतीय मनोविज्ञान है, क्योंकि वह भारत के लोगों के ऊपर प्रयोग में लाया जा रहा है। और चूंकि यहाँ के सैंपल का, यहाँ के प्रतिदर्श का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वह भारतीय मनोविज्ञान है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान का अर्थ भारत में मूल जिसका है, उन विचारों सिद्धांतों प्रक्रियाओं को ग्रहण करना ही होना चाहिए, कोई अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। अब किसी से कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई ना कोई उत्तर तो मिलेगा, जब आप पूछिएगा ही नहीं तो वह होगा ही नहीं, बड़ी विचित्रताएं हैं। और एक और बड़ी गंभीर बात है जो कई मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन और विश्लेषण में पाया है कि आधुनिक मनोविज्ञान डेटा ड्रिवन
प्रदत्त के द्वारा जो है वह चल रहा है। वैचारिक दृष्टि से उसमें परिवर्तन नहीं आए हैं, और जिस तरह का डेटा मिला उसी से आप कुछ और बात कह लिए। और सैद्धांतिक रूप से अनेक विश्रृंखलताएं हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यदि आप मात्र संकलन करने चलें कि कितने मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं में हैं और एक एक शाखा के एक एक अंश में, तो उसका गणना करना अपने आप में अत्यंत दुरूह कार्य होगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके व्यापारिक कारण हैं, ये भी कारण है कि नौकरी के लिए वहां पर कोई नई बात कहना आवश्यक है तो पुरानी बात को कुछ काट कर, कुछ छांट कर, कुछ दृष्टि से रख करके ये सब कुछ है। और अत्यधिक मात्रा में शोध के प्रकाशन भी हो रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोई उसमें ज्ञान में समृद्धि हो रही है यह कहना बड़ा कठिन विषय है। तो उसके अपने झमेले हैं, आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ये समस्याएं दिखाई पड़ेगी, और नहीं तो धो पोंछ करके जैसे प्रकाशित किया जाता है आपको लगेगा कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जिधर कई लोगों ने बड़े गंभीर अध्ययन किए, जैसे एक पुस्तक आई है कंस्ट्रक्टिंग द सब्जेक्ट, कि मनोविज्ञान विषय की रचना कैसे हुई, और बड़ा गंभीर विवेचन किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से छपी, कई वर्ष हो गए, उसमें बहुत सारे रहस्य हमारे सामने है। ऐसा मैं नहीं है कि उनका उल्लेख किया जाए, लेकिन हमारा कहना यह है कि मनोविज्ञान भी अपनी सीमाओं की चिंता से ग्रस्त हो रहा है, उससे उद्धार पाने का प्रयास कर रहा है। और आपने अपने टिप्पणी में अंत में कहा है कि क्या संवाद की गुंजाइश है, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा था कि संवाद की गुंजाइश मनोविज्ञान की अपनी कमजोरियों के कारण उसमें भी वहां भी यह उत्सुकता है, और यह उचित अवसर है जब आशुतोष जी जैसे लोग आगे बढ़कर के संवाद का मार्ग प्रशस्त करें। अब आइए हम भारतीय मानस शास्त्र के ऊपर विचार करें। मानस शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां तक मैंने पढ़ने का प्रयास किया और देखने का प्रयास किया, वहां मानस शब्द तो मिल रहा है, मन का नाना रूप है और जिनकी ओर विचार संकेत किया जा चुका है, मन भी है, चित्त भी है, मानस भी है, अब और उनका अलग अलग भेद भी है और अंतर भी है, अंतःकरण छूट गया वह भी है उसमें, तो अंतःकरण चित्त मानस ये शब्द हमको भारतीय चिंतन में मिलते हैं। और ये भारतीय चिंतन कई स्तरों पर हमारे सम्मुख दिखाई पड़ता है। मैं स्तर की बात इसलिए करना चाहता हूं और गंभीरता से करना चाहता हूं, क्योंकि सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, ये जितने भी गंभीर अध्ययन के विषय हैं, उन सब में एक विचित्र प्रकार की मनोभूमि कह लीजिए या उसका मानसिक धरातल कह लीजिए चिंतन का है, और सब में है, और वह धरातल है अखिल ब्रह्मांड को देखना, पूरी सृष्टि को देखना। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी है
उसका सृष्टि से ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है, वह नितांत मनुष्य केंद्रित है। जितने भी कॉन्सेप्ट आप साइकोलॉजी के पाएंगे वह सब व्यक्ति में ही निहित है, चाहे इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो, इंटेलिजेंस हो, मोटिवेशन हो, जितना कुछ आप पाएंगे वे सब उसी व्यक्ति में केंद्रित है, उसी इंडिविजुअल में केंद्रित है। जबकि हमारे यहाँ चिंतन कॉस्मोलॉजी से जुड़ा हुआ है, अखिल ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हमारी सत्ता उनके बीच में कैसे है ये महत्वपूर्ण है, जबकि वहां पर केवल मनुष्य केंद्रित चिंतन है, वह मनुष्य भी नहीं, वहां व्यक्ति केंद्रित चिंतन है पूरा, वह केवल ईगो सेंट्रिक है, ह्यूमन सेंट्रिक है, जब यह कॉस्मो सेंट्रिक दृष्टि है। यहां पर चिंता समग्र की है, टोटैलिटी की है। यहां पर कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो समग्र की चिंता नहीं करता है, वहां कोई सिद्धांत नहीं है जो समग्र की बात करता हो, वहां पर पूरी तरह से उसका खंडन खंडन करके, तोड़ तोड़ करके, एक एक टुकड़े को लेकर के उस टुकड़े के टुकड़े के टुकड़े का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर परमाणु की भी बात की जाती है और अखंड ब्रह्मांड की भी बात की जाती है। मनुष्य जो है वह किस प्रकार का प्राणी है और उसके सरोकार किस प्रकार के हैं, यदि इसका विश्लेषण किया जाए, इसकी चिंता की जाए, तो वहां भी आप यह पाएंगे कि समग्र जो है वह चिंता के केंद्र में है। और एक और मैं कह सकता हूं अपने अनुभव, अपने अध्ययन के आधार पर, कि जो पश्चिमी हमारा विचार का सांचा है, जो पैराडाइम है, वो डिस्क्रीट अलग अलग चीजों को रख करके देखता है और उनको जोड़ने के कोई प्रयास नहीं है, जबकि हमारे यहाँ कहीं न कहीं सबका संबंध सबसे देखा जाता है। अब आप एक उदाहरण लीजिए कि अगर कामनाओं का, इच्छाओं का, प्रेरणाओं का विश्लेषण करना हो तो जो सांचा पुरुषार्थ का हमारे पास है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वहां पर अर्थ और काम जो है ये दोनों धर्म के बिना निरर्थक हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम तो धर्म के अविरुद्ध काम। तो जो हमारी प्रवृत्ति है, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो स्वतंत्र भी है लेकिन स्वतंत्र नहीं भी है। मैं समझता हूं कि भारतीय मानस शास्त्र के जो आधारभूत अभिग्रह है या एजम्पशन है, बिना उसके हम भारतीय मानस शास्त्र की चर्चा नहीं कर सकते। उनमें एक तो यही रहा कि ब्रह्मांड केंद्र रिलेशनल पारस्परिक संबंधों को स्वीकार करने वाला, समग्र पर विचार करने वाला, और ऑब्जर्वेशन, रीजन और इंट्यूशन, तीनों का समावेश करते हुए ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपरोक्षानुभूत भी है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और उसके साथ ही साथ अनुमान भी है। तो अनुमान हुआ, उपमान हुआ, ये सब जो है वह तर्क पर आधारित हैं, प्रत्यक्ष भी है और इंट्यूशन भी है, प्रज्ञा भी है। चाहे आप बौद्ध विचार को लें, जैन विचार को लें या अन्यत्र आप देखें, योगज प्रत्यक्ष भी है और कहीं न कहीं ये उस प्रत्यक्ष से ऊपर की भी एक कोटि है। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो माध्यम है और जो उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि विज्ञान के पद्धति को एक सांचा मान करके हर चीज को उसमें फिट कर दिया जाए
स्पिरिचुअलिटी को भी एक स्केल बना करके आपने डाल दिया, तो उसकी भी एक स्केल हो गई। वस्तुतः वो अंततः एक एटीट्यूड है जो कि आप मापन करते हैं, वो अलग प्रश्न है कि किस तरह से विधि के सबसर्वियंट उसकी नौकरी में सारा विचार जो है खप गया है, और इसलिए वहां पर स्पष्टता नहीं है। तमाम सारे विषय आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर सिद्धांतों की भरमार है, चाहे बुद्धि के सिद्धांत की हो, चाहे प्रेरणा के सिद्धांत की हो। तो जो लाघव होना चाहिए, जो पार्सिमोनी होनी चाहिए, वह असंभव हो गई, कोई एक सिद्धांत है ही नहीं है। भारतीय चिंतन में अभी भी अगर उसका विश्लेषण हम करते हैं तो समग्र की चिंता और रीजन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन, इन तीनों का उपयोग करते हुए कैसे ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी जो या तीसरी जो महत्वपूर्ण अपेक्षा भारतीय मनोविज्ञान की या भारतीय चिंतन की, भारतीय मानस शास्त्र की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उधर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह मानस क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और इसके लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यजुर्वेद में शिव संकल्प सूत्र है। क्या ही अद्भुत 6 मंत्र हैं उसमें। उसका एक मंत्र आप सुनिए, आप सब लोग तो जानते होंगे, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये मन कितना अद्भुत है। यहाँ जिस मन की बात की जा रही है, मैं इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है उन सब के विस्तार में न जा करके इसको बहुत सरल रूप में कहें तो, जब आप जागते हैं तो मन आपसे दूर चला जाता है, जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है, और जब आप सोते हैं तो वापस आप ही में वापस आ जाता है, और जो तमाम तरह का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, अब इन सब की व्याख्या बड़ी लंबी की जाती है। ऐसा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसके 5 मंत्र और भी हैं, उनमें और भी बातें हैं, लेकिन सब में यह आया है तन्मे मन शिव संकल्प। तो मन का शिव संकल्प वाला होना अत्यंत आवश्यक है। अभी जो मानस शास्त्र की रूपरेखा की चर्चा हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और उसका एक खाका आपके सामने आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया है, और यदि उस पर आप ध्यान देंगे तो एक पक्ष उसका भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इमोशंस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पक्ष जो है वह कर्म कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक चीज इस पूरे चित्र में कहीं उसका जगह बनाने की आवश्यकता है, वह या तो उसे आप भाव में रखेंगे, नहीं तो जो काम है, वाक एक शक्ति है जो नितांत महत्वपूर्ण है। ये जिन जिन दिशाओं में हमारे अस्तित्व का प्रकटन होता है और
जो हमारे मनोविज्ञान की परिधि को निर्धारित करते हैं, क्योंकि काम जो है वह किस रूप में हम लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। अब अंग्रेज जी के मन में वह उसके लिए स्थान है कि नहीं है, लेकिन वह मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, उसे भाव में ही रखेंगे या अतिरिक्त रखेंगे इमोशन और सेंटिमेंट, लेकिन वह महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य का शरीर है वह माध्यम है, और वह माध्यम है जिससे मानस नाना प्रकार के कार्यों में संपृक्त होता है, जुड़ता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य जो है संपन्न होते हैं। मैं अभी विस्तार में न जाना चाहूंगा, लेकिन यह उल्लेख जरूर करूंगा कि चित्त, मानस और अंतःकरण, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको भिन्न भिन्न शास्त्र के जो विवेचन है उनमें प्राप्त होता है। अब अंतःकरण चतुष्टय में मानस जो है वह शामिल है, और दूसरी ओर चित्त की प्रधानता आपको योग में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। तो अंतःकरण बराबर मानस, यह एक व्यापक समीकरण हमको प्रतीत होता है, जिसमें अहंकार भी है, जिसमें चित्त भी है, जिसमें मन भी है। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है, मनोविज्ञान के न्यूरोसाइंटिफिक जो स्टडीज इस समय हो रही हैं, वहाँ पर वह केवल बाह्य ज्ञानेंद्रियों ही नहीं, बल्कि अब एक शब्द ही चल पड़ा है, इंटेरोसेप्शन, अंतःकरण कह लीजिए, या आंतरिक जो सूचनाएं आ रही हैं वह भी मस्तिष्क तक पहुंचती है। इंटरोसेप्शन और एक्सट्रोसेप्शन, तो बाह्य तत्वों की जो जानकारी प्राप्त हो रही है और शरीर के अंदर जो घटित हो रहा है उसकी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, वो सब मस्तिष्क में पहुंच रही है, और वहाँ भी कई तरह के सैद्धांतिक मॉडल अब डेवलप हो रहे हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे भी एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ऊपर के साथ अंतःक्रिया करता है, और उसी के बीच कहीं सेल्फ भी पैदा होता है, कॉन्शियसनेस भी पैदा होती है। काफ़ी कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है, मैं इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगा। डेमेसियो करके एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जिन्होंने काफ़ी कुछ इस पर चर्चा की, और ये भी बात बड़े गंभीरता से दिख रही है कि किस तरह से मस्तिष्क जो है वो अर्थ प्रदान करता है, कैसे चीज़ों के ऊपर एक अर्थ प्रदान करता है। तो शरीर माध्यम है, और मानस को लेकर के एक बड़ी गंभीर बात जो हमारे समक्ष आती है वो ये है कि मानस को शरीर का अंग माना गया है, वह प्रकृति का अंग है। वह अगर प्रकृति पुरुष का भेद हम स्वीकार करते हैं तो उस दृष्टि से मानस भी एक पदार्थ है, एक पदार्थ ऐसा है जो कि सात्विक गुण के कारण इतना सक्षम हो जाता है, उसमें आत्म का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है, आत्म से उसका संपर्क हो पाता है, वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म पदार्थ है। अन्य जो सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, स्थूल है, उनका संबंध तो नहीं होता है। तो यह दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है, जो तमाम सारी ज्ञानेंद्रियां हैं और जो आत्म है उनके बीच में मध्यस्थता करने का
कार्य करता है। चाहे आप कठोपनिषद को देखें या गीता को देखें, तो जो रथ का रूपक है, जहाँ पर आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रियां और विषय, इनके संपर्क का जो एक आरेख वहां पर खड़ा होता है, एक डायग्राम बनता है कि कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि अधिकांश चर्चाओं में भारतीय मानस शास्त्र का जो आधार आप जहां से प्राप्त करते हैं वहां पर है, वह यह है कि कर्म जो है वह कुछ निरंतर चलने वाला, और निरंतरता का अर्थ तो इतना व्यापक है कि जन्म जन्मांतर तक जो जिसका प्रताप जो है वह चलता रहता है, और इस प्रताप का परिणाम यह हुआ कि क्योंकि कर्म का फल तो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उससे बचना ही असंभव है, और ये निरंतरता, ये चक्र चलता रहेगा। महात्मा बुद्ध जिन्होंने आत्मा का बहिष्कार किया, अनात्म का विचार प्रस्तुत किया, वह भी कर्म की निरंतरता की बात स्वीकार करते हैं। और कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं, और पूर्व जन्म के पक्ष में अर्थात मनुष्य के पहले भी कुछ जन्म हुए हैं, आगे भी जन्म हो सकते हैं, या निरंतरता अनेक शास्त्रों में आती है। पुनर्जन्म का जो विचार है, और मैं पढ़ रहा था तो न्याय वैशेषिक इन सबको पढ़िए, तो वहाँ है कि बच्चा जो है, जो जन्मजात शिशु है, वह अभी तरह तरह के प्रेफरेंसेस दिखलाता है, तरह तरह के व्यवहार करता है, रिफ्लेक्सेस करता है, जिससे लगता है कि उसमें स्मृति होगी, और यह स्मृति जो है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म को जोड़ती है। तो कर्म का नियम और कर्म की निरंतरता यह भी इस मानस शास्त्र का एक आधारभूत अंग है। जो जो हम रूपरेखा निर्मित करेंगे वहां पर इसका भी आधार बनता है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आशुतोष जी ने चर्चा की थी कि हित, तो हित के साथ यह भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लगभग सभी, चाहे सांख्य हो, न्याय हो, किसी को भी लीजिए, सभी चाहे बुद्ध हो, वह जीवन में, योग में तो है कि विवेकी के लिए तो सब कुछ दुख है, तो दुख की उपस्थिति जो है वह हमारे जीवन का एक सत्य है, और ज्ञान द्वारा उस दुख को नष्ट करना और ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप को स्पष्ट करना और समझना, और जो आत्म नहीं है या जो उपस्थित नहीं है, जो आप माया कह लीजिए या ये जो रचित जगत है, तो कहीं न कहीं एक प्रयास इसका है कि कैसे उससे बचें, कैसे उसको दूर करें। ये चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है, तो अज्ञान को कैसे दूर किया जाए। क्लेश में अविद्या, ऐसे अविद्या का अर्थ और भी विस्तृत है, लेकिन वो सब भी तो यही है कि भाई नित्य अनित्य का भेद नहीं कर पाते हो, अविद्या का एक अंश हुआ। अस्मिता जो है वह भी एक क्लेश का कारण है, राग भी कारण है, द्वेष भी कारण है, और सबसे बड़ा कारण तो अभिनिवेश है। तो हमारे ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है इन अभिनिवेशों के रूप में, चाहे टेंशन, स्ट्रेस, जितना भी आप नाप लीजिए, वो सब इसी में आता है, इन सारे क्लेशों में आता है। तो क्लेश की स्थिति हमारे जीवन में दुख
के करीब है कि ये दुख जो है वो उपस्थित है, अज्ञान के कारण है। ज्ञान का आश्रय लेकर के हम उस दुख का निवारण कर सकते हैं। और वह कहा गया कि जब आप आत्म को समझ पाओगे, आत्मानंद विधि बार बार जोर देने का अर्थ यही है, तो आप समग्र को जान पाओगे। अब क्षमा करेंगे कि भारतीय चिंतन भी या भारतीय मानस शास्त्र भी एकल नहीं है। आप वहां पर समाधान भी वेदांत को लेकर के, योग को लेकर के, न्याय को लेकर के, न्याय वैशेषिक को लेकर के अनेक प्रकार के समाधान आप प्राप्त करते हैं। कुछ बिंदु हैं जो कि सब में समान हमको प्राप्त होते हैं, और कुछ बिंदु हैं जहां पर उनमें भेद है, अंतर है। यहाँ तक कि वेदांत के ही विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और नाना प्रकार से उसमें माध्व हो, रामानुज हो, ये सब के सब निम्बार्क हो, अलग अलग प्रकार से बताते हैं। एक बात और भी यहाँ दिखाई पड़ती है, कहीं न कहीं जो मनुष्य की प्रकृति है उसका निर्माण अगर भिन्न भिन्न गुणों के परस्पर संयोग से और उनकी मात्रा और उनके महत्व कितना किस व्यक्ति में प्राप्त हुआ है अगर उसको देखेंगे, तो उससे हर व्यक्ति की संरचना करने के लिए हम व्यक्तित्व काल है, मगर व्यक्तित्व शब्द तो जिस रूप में आधुनिक मनोविज्ञान में है उस तरह से हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे इन गुणों का सक्रिय होना है, और चाहे आप आयुर्वेद में जाएं वहाँ भी इन गुणों की सक्रियता आपके रोग दोष इन सब में सम्मिलित होती है। तो प्रकृति के इन तीन गुणों से सत्व, रज, तम, ये मेरा ख्याल है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनको लेकर के हम रचना की बात करते हैं, और जिनकी सक्रियता का स्वास्थ्य से भी संबंध है, रोग से भी संबंध है। और आप ये देखें कि आहार की बात तो कहीं नहीं की जाती है, आप पर्सनालिटी टेस्ट ले लीजिए, लेकिन आहार का और व्यक्तित्व का, इन गुणों का पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है। और कहीं न कहीं मुख्य रूप से इन तीन गुणों की छाया सारे चिंतन पर हमको दिखाई पड़ती है। कम से कम भगवत गीता को अगर आप ये माने कि तमाम तरह के विचारों का संकलन, संग्रह, सिंथेसिस एक प्रकार से वह बोधगम्य रूप में अगर प्रस्तुत करती है, तो वहां पर आप पाएंगे कि हर चीज को समझने के लिए इन तीन गुणों को आधार बनाया गया है। और जो श्रेष्ठ स्थिति है वह तो गुणातीत होने की है, उन गुणों से मुक्त होने की है, उनके प्रभावों से मुक्त होने की। आप स्थितप्रज्ञ की भी व्याख्या करेंगे तो इसी रूप में पाते हैं, जो इनसे प्रभावित ना हो, जिसमें स्थिरता हो। और हित का जहां तक विचार है वहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानस शास्त्र शुद्ध रूप से समस्या के निदान और समाधान के लिए है। पूरा का पूरा योग शास्त्र जो है वह जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए ही है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, आधिदैविक हो, शारीरिक हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों स्तरों पर समाधान के लिए उसमें उपाय बताए गए हैं। तो जो सांचा भारतीय मनोविज्ञान का है वह इस देह मात्र से संपृक्त नहीं है, वह इस शरीर और मन और बुद्धि, इस पूरे अंतःकरण वाली इस समग्र के स्वरूप को लेकर के उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होगी।
और उसके समाधान के लिए भी, जैसे योग वाशिष्ठ तो पूरा एक प्रकार से अभी जो गणना कर रहे थे काउंसलिंग के पैराडाइम की, उसमें आशुतोष जी ने उसकी भी बात की, तो पूरा भगवान श्री राम को जो एक प्रकार का विपर्य कहिए या उनके बोध में जो संकट आया उसके समाधान के लिए पूरी व्यवस्था उसमें नाना प्रकार से समझाई गई। तो काउंसलिंग या परामर्श करने के कई पैराडाइम है। मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि यहाँ पर किसी एक दृष्टि की हेजमनी नहीं है। आप राजयोग भी करिए, हठ योग भी करिए, भक्त योग भी करिए, कर्म योग भी करिए, आपके पास कई मार्ग उपलब्ध है। तो ये मार्ग की जो विविधता इसीलिए है, चाहे आप उसको एकम सद विप्रा बहुधा बदंती ये कह करके आगे बढ़ लें कि भाई ठीक है अनेक दृष्टियां हैं, लेकिन अनेक दृष्टियों की आवश्यकता भी है, क्योंकि हर व्यक्ति में जो चेतना की अभिव्यक्ति है या जो शरीर है वह चेतना की अभिव्यक्ति है। यह भी भारतीय मनोविज्ञान का एक प्रमुख स्थापना है। और यह भी कि चेतना का जो विस्तार है, उसके जो स्तर हैं, कम से कम किसी पाश्चात्य चिंतन में तुरीयावस्था का तो कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन तुरीयावस्था की जो परिकल्पना है और जिसके परिप्रेक्ष्य में यदि आप समग्र को देखें तो सारा चित्र जो है वो बदल जाता है। तो शरीर उपकरण है, इस उपकरण का उन्नयन के लिए मैं समझता हूं कि उन्नयन करना या मोक्ष करना, ये जितने भी लक्ष्य बनाए गए वो भौतिक स्तर पर कल्याण के साथ ही साथ समग्र के कल्याण की चिंता भी वहां मौजूद है। वहां पर अपनी ही चिंता नहीं है, जल की भी आप अशांति भी चाहिए, वनस्पति अशांति चाहिए, औषधे अशांति चाहिए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय चिंतन का सबसे बड़ा जो दावा है वह यह है कि हम मनुष्य को उसके समग्र अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। हमको ऐसा शास्त्र चाहिए और वह शास्त्र उसी की शुभ की, उसी के कल्याण की चिंता से ग्रस्त नहीं है। साइकोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल, वह इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं है, ये मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल साइकोलॉजी की केंद्रिकता के कारण आधुनिक मनोविज्ञान तमाम कष्टों से, सैद्धांतिक कष्टों से और व्यावहारिक और हर तरह के कष्टों से, यदि परोपकाराय सताम विभूतया, अब अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, परोपकार शब्द ले लीजिए, या कहा गया कि भाई समस्त पृथ्वी ही जिसके लिए कुटुंब का काम करती है, वसुधा जो है वही कुटुंब है, कहने का अर्थ क्या है? इस विचार को लेकर के चलना, मनुष्य को अकेला लेकर के और उसी का सारा अध्ययन आप करते रहिए और सब कुछ को उसी में फिर से घटाते रहिए, उसी के लिए सब कुछ अगर है। आप ये देखिए ना, सारी मनोविज्ञान की शब्दावली मात्र व्यक्ति केंद्रित है, उसमें किसी और की जगह है ही नहीं। सोशल साइकोलॉजी भी इंडिविजुअल का समाज में व्यवहार पर है, समाज वहां भी अनुपस्थित है। सोशल साइकोलॉजी इज रियली नॉट ए सोशल साइकोलॉजी, इट इज ए सोशल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल के व्यवहार पर समाज का क्या प्रभाव है। और एक बात और का कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि भारतीय मनोविज्ञान जब
आत्म की बात करता है, परमात्म की बात करता है, ब्रह्म की बात करता है, तो वह कहीं न कहीं उसके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। वह लक्ष्य यह है कि उस समग्र को ध्यान में रख करके व्यक्ति का आचरण देखा जाए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है वह तो धर्म का अवधारणा है, धर्म का विचार है, जो कि केंद्रीय है, व्यक्ति को भी अनुशासन में रखता है और समग्र को भी उसके अनुशासन में रखता है। धर्म की परिभाषा खोल करके मनु के शब्दों में पढ़िए तो वहां पर यही आप पाइएगा कि सब के सब जो है वह सामाजिक चेतना को धृति क्षमा जमोस्ते, ये सभी तो तभी लागू होंगे ना जब आप समाज में रहोगे। अकेले हो तो फिर धैर्य की क्या जरूरत, अकेले हो तो अहिंसा की क्या जरूरत। तो ये या आप पतंजलि को पढ़ें तो वहां भी यही दिखता है कि यम नियम जो है वह सामाजिक मनुष्य की बात करते हैं। अस्तेय कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी, अपरिग्रह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसीलिए कि मनुष्य जो है समाज में रहता है। मजेदार बात यह है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई ये महाव्रत है जो कि समग्र मनुष्यता के लिए है। तो मैं समझता हूं कि सारी मनुष्यता को और उसके परिवेश को, उसके पर्यावरण को समग्रता में रखते हुए मनोविज्ञान को शब्द अगर आप चाहते हैं तो, और मानस शास्त्र तो है ही है कि हमको परिभाषित करना पड़ेगा। व्यक्ति के द्वारा हम उसे पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सकते। व्यक्ति के द्वारा अगर परिभाषित करेंगे तो नाना प्रकार की कठिनाइयां ही आपकी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि वह तारतम्य नहीं होगा, वह पारस्परिक संबंध नहीं होगा। तभी तो कहा संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानत। ये चिंता आखिर क्यों है, क्यों कहा कि संगच्छध्वम, क्यों कहा कि सभा वही है जहां पर अच्छे लोग हों जो सत्य बोलते हो, जिससे अहित न होता हो। तो ये कल्याण की भावना भारतीय मानस शास्त्र के केंद्र में है और व्यक्ति समग्र का अंश है और वह समग्र जो अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी हम पढ़ाते हैं आधुनिक मनोविज्ञान में, तो वहां पर मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति के हित में पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए इसकी चिंता है, उसमें पर्यावरण की चिंता नहीं है। जितने भी विषय हैं मनोविज्ञान के आधुनिक, वे सब के सब उस समग्र की चिंता नहीं करते। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा जब हम इस व्यापक आधार भूमि वाले भारतीय मानस शास्त्र का विश्लेषण करेंगे। पता नहीं मानस शास्त्र शब्द पर्याप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम समग्र की बात कर रहे हैं और उस समग्र को देखने को जो देखता है, जो सबको देखता है, उसी का देखना देखना होता है। जो सबको देख सके, जो केवल अपने को देखे, उसका देखना देखना नहीं है। और आधुनिक मनोविज्ञान केवल अपने को देखता है, वह समग्र को नहीं देखता। इस समग्र को देखने वाले मनोविज्ञान या मानस शास्त्र या कोई और नाम दिया जाए, विचार किया जाए उसके ऊपर, उस विद्या का अनुसंधान होना चाहिए जिसके लिए हमारे पास अनुभव भी, अंतः प्रज्ञा भी, प्रत्यक्ष ज्ञान भी, तर्क भी, इन विभिन्न ज्ञान के माध्यमों का हम उपयोग करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी इन सीमाओं की चिंता खड़ी हो गई है कि कैसे इसको पार किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति केंद्रिकता से नहीं उबर पा रहा है और व्यक्ति केंद्रिकता स्वयं उसके लिए समस्या है, लेकिन वह हर चीज को उसी को केंद्र में रखकर
उसी के लिए वह विचार करता है, उससे ऊपर उठकर कैसे विचार किया जा सकता है, इसके विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम उसके ऊपर कुछ और विस्तार में अगले सत्र में चर्चा करेंगे। यह एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि थी जो हम आज आपसे साझा कर रहे हैं। मैं यहीं पर विराम लूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आभार। और आपने जिस तरह से इसको व्यापक और रुचिकर प्रस्तुत किया, से बहुत सारी बातों में से एक शब्द तो मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि डाटा ड्रिवन साइकोलॉजी है, दृष्टि से नहीं है, विचार की दृष्टि से प्रभावित नहीं है, तो डाटा ड्रिवन है। ये बहुत सारी बातों में से जो मैंने लिखी है उनमें से है, और वाकई ये समग्रता तो बहुत सारी आपने हमें बातें बताई हैं। निश्चित रूप से इसको अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समाहित करते हुए आगे की दिशाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास लगभग 5-7 मिनट और हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे में से जो भी कोई टिप्पणियाँ अपनी असहमति आप देना चाहें, चर्चा करना चाहें, तो प्लीज़ बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है। डॉक्टर साहब को हमें समय देना है कि अगली मीटिंग है। तो सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, नमस्कार। कोई प्रश्न नहीं है, केवल एक जिज्ञासा है। मेरा ये कहीं सोच बन रही है कि जो पाश्चात्य भारतीय मनोविज्ञान कहिए या मानस कहें, उसमें जो मूलभूत अंतर है कि हमारे यहाँ पर ये माना गया है कि संस्कृति से सभ्यता का विकास हुआ है और सभ्यता से वर्तमान की राजनीति सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ है, जो हमारे सोचने की इनके मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। जबकि पाश्चात्य व्यवस्था में यदि हम देखें तो पहले सभ्यता आती है, सभ्यता के बाद वो संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति के आधार पर वो जो है वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं। तो जो भी पहले संस्कृति को माना जाए या सभ्यता को, इसको लेकर एक द्वंद्वात्मक विपरीत स्थिति मेरे को नजर आती है। इसके ऊपर सर मैं अगले वक्तव्य में आपका विस्तृत विश्लेषण चाहूंगा। बहुत बहुत आभार। संस्कृति और सभ्यता को लेकर के जो आपने प्रश्न रखा वो एक दूसरे ढंग से वही वाला है, डेटा ड्रिवन या थियरी ड्रिवन, संस्कृति द्वारा संचालित या सभ्यता द्वारा संचालित। क्योंकि ये जो एम्पिरिकल के नाम पर जो डेटा ड्रिवन है वो अनंत है और बहुत सारा वो रिसर्च उसमें फालतू का होता है। अब आप कोई रिसर्च करिए कि टेबल पर बैठने वाले और तखत पर बैठने वाले और कुर्सी पर बैठने वालों की तुलना करिए, कोई अर्थ है इसका? आप किसी भी चीज की तुलना करते रहिए, इसका अनंत, ये तो माया का जगत है, इसमें जाने क्या क्या मौजूद है। तो सभ्यता जो है उसकी अपनी सीमाएं है, और संस्कृति एक वैचारिक धरातल पर जीने के लक्ष्य और उसके उद्देश्य को परिभाषित करती है और आपको संचालित करती है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी और पवन सेठी जी, सर बहुत संक्षेप में अपनी अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। डॉक्टर अरुण जी पहले आप अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ, प्राय 15 वर्ष पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर में कुछ लोग मन पर भारतीय परंपरा से रिसर्च करना चाहते थे, तो उन लोगों ने कई चीजों की परिभाषाएं और सामग्री मुझसे मांगी थी। अब उसका पीएचडी किया या किताब लिखी इसका मुझे पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं संक्षेप से कहना चाहता हूँ कि आधुनिक मनोविज्ञान में मन की स्पष्ट परिभाषा नहीं है,
बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विस्तार से परिभाषा है कि जहाँ संकल्प विचिकित्सा चिंता हर्ष शोक आदि हो उसे मन कहते हैं। फिर मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जब संसार में सृष्टि कुछ नहीं था उसको सो वसीय मन कहा है, जो शून्य में था जिसमें संकल्प हुआ कि सृष्टि करें। फिर मन के कितने कण हुए, जितने ब्रह्मांड में कण है उतने हमारे मस्तिष्क में कण है, एक में वहां तारा को कण कहा गया है, मस्तिष्क में न्यूरॉन को कण कहा गया है, तो दोनों समान है। तो ब्रह्मांड को विराट मन कहा है और उसका परिभ्रमण काल मनमंत्र कहा गया है। Right. और एक मन मन की जो वृत्ति है उसके बारे में कहा है, अग्नि जिह्वा मनवा सूर्य चक्षसो शांति पाठ में कहा गया है। अग्नि जिह्वा मनवा का के दो अर्थ हैं कि अग्नि की जो जिह्वा है उसको मन कहते हैं, या अग्नि जिह्वा मनवा मतलब 14 प्रकार की होती है। तो मुंडकोपनिषद में 7 प्रकार की जिह्वा कही गई है, काली कराली च मनो जवा च, तो 14 प्रकार के, इस प्रकार से 7 प्रकार के जिह्वा से निकलता है और 7 प्रकार से ग्रहण करता है। तो इसको चित्त वृत्तियों के इतने भेद हैं, 7 प्रकार के, जैसे महानारायण उपनिषद आदि में है या योग सूत्र में है, तो चित्त वृत्तियों का के इतने भेद हैं, तो उनको अग्नि जिह्वा कहा गया है। 7 प्रकार से ग्रहण करता है, 7 प्रकार से। फिर अग्नि मन के परमाणु क्या है, ये वैशेषिक दर्शन में है, जैसे उसमें पदार्थ और द्रव्य अलग अलग कहा गया, उसकी मैंने व्याख्या की थी। फिर स्मृति और संस्कार क्या है, इसकी परिभाषा और उसकी व्याख्या मैंने की थी, और मनोजव क्या है इस पर विचार किया था। फिर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए समाधि का क्या उपयोग है, मन में जो मन में जो संस्कार हुआ वो अगले जन्म में कैसे जाता है, इन सब चीजों पर विचार किया था। मनोजव क्या है, तो इन परिभाषाओं का मैंने संकलन किया था, आवश्यकता होने पर मैं दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको हमारे साथ जरूर साझा करें, और अगले जो वक्तव्य रहेगा 2 तारीख को उसमें इन सारे विषयों को खोलेंगे। बहुत संक्षेप में डॉक्टर पाल सेठी जी और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी। नमस्कार सर, मैं बहुत आभारी हूँ और इस प्रकार का संवाद हम लोगों को विचार करने के लिए उकसाता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है, जो मतलब ये कही कि मेरा कंफ्यूजन है कि माइंड हो या मन हो, बेसिकली ये भी एक थॉट प्रोसेस है, और जहाँ भी थॉट प्रोसेस होता है उसका सीट ऑफ थिंकिंग जो है वो ब्रेन ही होता है। क्या मन, क्योंकि और तो कोई ऐसा जो है हमारे शरीर में कोई ऑर्गन नहीं है कि जो सोचने का काम करता है, तो इंटेलेक्ट, ये मन भी तो एक इंटेलेक्ट ही हुआ, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेठी जी को नमस्कार। नमस्कार सर, ऐसा है कि मन क्या है इसको बार बार खोजने की कोशिश करते हुए अब तो पूरी एक शाखा ही है फिलॉसफी ऑफ माइंड, और उसमें बहुत तरह तरह के विकल्प चल रहे हैं जी। मैंने कुछ कोशिश की कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों दृष्टियों में मन क्या है जी, और साइकोलॉजी का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ, साइकोलॉजी वाले तो चुप हो गए, उन्होंने कहा कि मस्तिष्क जो कुछ करता है उसकी जो एक्टिविटी है वो उस एक्टिविटी में थॉट भी है, आपका इमोशन भी है, जितने भी क्रियाएं हैं मानसिक हैं वो सब की सब दे आर कंबाइंड टुगेदर, उनका एक नाम दे दिया है, इट कांट बी रिड्यूस्ड टू सम एंटिटी, ओके, इट इज ए प्रोसेस, इट इज एक्टिविटी। तो मन को किसी अंग के रूप में स्थापित करना न तो भारतीय चिंतन में है और न कहीं पश्चिमी चिंतन में है, उसका कोई आधारभूत स्थान नहीं है, वह फंक्शन के रूप में ही समझा जा सकता है। मुझको जितना भी मैंने खोजा उन सब में यही दिखाई पड़ा कि उसको लोकेट करना
क्योंकि अब न्यूरॉन की एक्टिविटी, उनका कॉम्बिनेशन किस किस प्रकार का घटित होता है, कितनी तेजी से घटित होता है, किस रूप में, यू कांट रिड्यूस एवरीथिंग टू द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो रिडक्शनिज्म है कि किसी भौतिक पदार्थ के ही रूप में हम उसको परिभाषित करें, ये हमारा जो आग्रह है, अच्छा लगता है ताकि पता चल जाए। अब आप देखिए साइकोसोमेटिक डिजीजेस, डॉक्टर ने कहा भैया आप तुम जाओ जरा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं भैया आप तुम डॉक्टर के पास जाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो तमाम सारे ऐसे रोग हैं, व्याधियां हैं, समस्याएं हैं जिनका आरंभ मन से होता है, शरीर में अभिव्यक्त है, शरीर से होता है और मन में पहुंच जाते हैं। तो ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और किसी वस्तु में उनको निरूपित करना असंभव है। अभी तक तो नहीं संभव पाया। प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, कश्मीर शैव दर्शन की वो आचार्य हैं जोधपुर जयपुर यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ रखें, क्योंकि फिर समय हो रहा है आपका। नमस्कार सर। जी सर, आपने बताया, बहुत सही बताया कि भारतीय मानस शास्त्र जो है, भारतीय शास्त्र जो है समग्रता की बात करता है, वो पर्यावरण को साथ लेके चलता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम या परस्परम भावयंतः देवा श्रेयम परम अवाप्स्यथ, ये जो बात है इसमें हमारा जब तक हमारा इस आधार पर जीवन चल रहा था कोई समस्या ही नहीं थी। अब जो हम व्यक्ति के लिए जब पर्यावरण की बात, जैसे आपने कहा मनोविज्ञान व्यक्ति को केंद्र में रख के सोचता है, तो हम इस स्थिति से उस स्थिति तक जाने का कोई मार्ग है हमारे पास, या हम कैसे कुछ उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां हम वापस पर्यावरण की चिंता पहले करें। हमारा जो शांति मंत्र था जिसका हम नियमित रूप से वो करते थे, उसमें सारी शक्तियों को नमस्कार करते थे, तो उस चिंतन को हम हमारे जीवन में कैसे वापस ला सकते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न उठाया है, और इसका एक ही उत्तर है कि हमको अपने भ्रमों को तोड़ना पड़ेगा। जो भ्रम हमने पाल रखे हैं और नहीं तोड़ेंगे तो कोविड आ जाएगा। जो आपसे कहेगा कि प्रत्याहार का पालन करिए, ये स्थिति हो जा रही है। तो ये बुद्धि का प्रयोग तो यही होता कि उचित मार्ग का अवलंबन किया जाता, लेकिन हमारी सारी योजनाएं सब कुछ कुछ भ्रमों के अनुरूप चल रही हैं, न कि वास्तविकता का अनुभव करके। तो ये तो गंभीर निर्णय लेने पड़ेंगे। और कोई मार्ग है नहीं। जी जी, इन प्रश्नों को और विस्तार देंगे अगले सत्र में, जब हम इन विषयों को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 तारीख को जब हम ये चर्चा को अग्रसर करेंगे तो उसमें एक डायलॉग के फॉर्म को विद्यमान रखेंगे। और डॉक्टर इंदु जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आपके प्रश्न को हम अगली बार ले लेंगे, कि अब समय हो चुका है, डॉक्टर साहब की एक अभी मीटिंग अभी है। जी धन्यवाद सर। हाँ, निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है अगली बार के लिए। तो डॉक्टर सर, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए बहुत सारी बातें आज बताई हैं। कोशिश करूंगा कि अगली बार इसको हम समाहित करके फिर नए सिरे से चर्चा को आरम्भ करें, आपसे अगली बार नए दिशा निर्देश लेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में। आपका समय हो रहा है इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं दे रहा, लेकिन आपको प्रणाम करता हूँ कि रूप में आपने हमें ये बातें समझाई, निश्चित रूप से वो बड़ी मूल्यवान है, हमारे लिए लाभकारी है। तो इसी तरह से आप हम पर जो है हमारे ज्ञान का विस्तार करते रहें। तो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी मीटिंग को छोड़ सकते हैं। यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, यदि कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मेरे से अभी साझा कर सकते हैं।